दोस्तों आज मैं आपके लिए किचन और कुकिंग के बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टिप्स लेकर आई हूँ, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। तो सबसे पहला टिप है मेरा इडली और इडली स्टैंड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अक्सर होता ये है कि जब भी हम लोग इडली बनाते हैं तो इडली स्टैंड से इडली निकालते समय उसमें स्क्रेचेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं या फिर इडली टूट जाती है। इसके लिए दोस्तों हमें करना ये है कि सबसे पहले इडली बनाने के बाद स्टैंड को थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे, बहुत गर्म गर्म में इडली नहीं निकालेंगे। और इसके बाद से हमें करना ये है कि एक बोल में हमें लेना है साफ पीने वाला पानी, जो पानी हम पीने में यूज़ करते हैं। और इस पानी में हम डालेंगे लगभग 2 से 3 बूंद ऑयल की। जी हाँ, ध्यान रखें ये वेजिटेबल ऑयल होना चाहिए या आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और बस कोई स्पून लेंगे, आप देख रहे हैं कि स्पून थोड़े मोटे तले का है, बहुत पतला वाला स्पून नहीं है, तो इस तरह का कोई स्पून लेकर और इससे जो है इडली को हम 1 by 1 करके निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से, कितने सॉफ्ट तरीके से ये इडली निकल रही है स्टैंड से, और नीचे जो है इडली चिपकी भी नहीं है। और पानी में तेल डालने से होता यह है कि आप जब भी नेक्स्ट इसमें इडली बैटर डालेंगे इस इडली स्टैंड में, तो आपको अलग से जो है ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से इसी पानी से आप बार बार जो है इडली निकाल सकते हैं। और इडली स्टैंड आप देख रहे हैं कि एकदम साफ़ सुथरा है, स्केच फ्री है। तो इस तरीके से इडली स्टैंड से आप भी इडली निकाल कर देखिएगा स्पून की मदद से, तो आपको जो है इडली स्टैंड नहीं ख़राब होगा, साथ ही इडलियाँ भी एकदम परफेक्ट निकल कर आएंगी। तो दोस्तों आज की ये टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, चीला पैन केक हम सब बनाते हैं, और हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कभी घर में खाने के लिए मेंबर्स रेडी नहीं होते तो हमें चीला बना बना कर रखना पड़ता है। उससे क्या होता है कि जो हमारा नीचे का जो चीला होता है, सबसे पहला चीला जो होता है, वो नीचे से एकदम सॉफ्ट हो जाता है, सॉगी सा हो जाता है, उसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं रहती। तो जो नीचे वाला चीला है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए आपको एक बढ़िया सा आसान सा उपाय बताती हूँ। इसके लिए आपको करना ये है कि जब भी आप पहला वाला चीला प्लेट में रखें, उससे पहले आप जो है इस चीले की एक कटोरी या फिर कोई छोटा सा प्लेट रख दें। इससे क्या होगा कि चीले के नीचे जो है थोड़ा सा एयर निकल जाएगा, और इस तरीके से हमारा चीला जो है सॉगी भी नहीं होगा। कटोरी की वजह से चीला एकदम क्रिस्पी बना रहेगा, और आप चाहें कितने भी चीले एक के एक ऊपर बनाकर रखती जाएं, चीला नीचे वाला यानी कि जो हमारा पहला चीला है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप उसे सर्व कर सकती हैं। तो ये आइडिया आप किसी भी तरह के चीले में, डोसे में या फिर पैनकेक के साथ आजमा सकती हैं। तो ये वाली टिप बहुत काम की है और रोज़ ही आपके किचन में काम आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी जो तीसरी टिप है वो मशरूम को साफ करने को लेकर है। मशरूम जब मार्केट से आता है तो उस पर कभी कभी होता ये है कि थोड़ी मिट्टी के दाग वगैरह ज़्यादा लगे होते हैं, कभी मशरूम एकदम ब्लैक सा होता है। उसके लिए आपको एक बढ़िया सा उपाय बताती हूँ। मशरूम को लेकर आप जो है पहले उसे डाल दें उबलते हुए पानी में। जी हाँ, हमें एकदम हॉट वाटर लेना है और मशरूम को 5 मिनट के लिए उसमें डुबा कर रख देना है। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि मशरूम को छान कर किसी छन्ने में रख देंगे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, मैंने मशरूम को गर्म पानी से निकाल कर और छन्ने में रख दिया है। इसके बाद से हमें चाहिए होगा खाने वाला विनेगर, यानी कि वाइट विनेगर, और वाइट विनेगर के थोड़े से ड्रॉप यानी कि लगभग 1 से 2 चम्मच हम डालेंगे इस मशरूम के ऊपर। और यहाँ पर विनेगर के साथ साथ हम थोड़ा सा ऐड करेंगे गेहूं का आटा। जी हाँ, सिंपल नॉर्मल जो हम गेहूं का आटा खाते हैं वो हमें थोड़ा सा 1 चम्मच लेकर मशरूम पर छिड़क देना है, अच्छे से मिला लेना है। और उसके बाद से इसे हम छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद से ठंडे पानी में मशरूम को अच्छे से वॉश कर लेंगे 3 से 4 पानी तक, जब तक ये अच्छे से आटा ना निकल जाए। तो अभी आप देख रहे हैं कि मशरूम हमारे कितने अच्छे से साफ, चिकने, एकदम क्लियर हो चुके हैं। एकदम मशरूम अच्छे से क्लियर दिख रहे हैं, सब्जी बनाने के लिए तैयार हैं। तो मशरूम को साफ करने का ये तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज की मेरी नेक्स्ट टिप है दोस्तों बैंगन को लेकर। जब हम बैंगन का भरता बनाते हैं और बैंगन भूनते हैं, तो आप देखते हैं कि बैंगन जब एकदम गर्म होता है तो वो बिल्कुल भी छीलने में नहीं आता। और कभी कभी होता ये है कि हमें होती है तेज़ी खाना बनाने की और हम सोचते हैं कि फटाफट से बैंगन छील लें। उसके लिए आपको करना ये है कि नॉर्मल या फिर ठंडा पानी लेकर और एक बड़े बर्तन में बैंगन को भूनने के तुरंत बाद उसमें आप डिप कर दें, और उसके बाद से आप देखेंगे कि बैंगन के छिलके बहुत ही आसानी से निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो भी बैंगन भूनें तो आप उसे ठंडे पानी में डिप कर दें, तो फटाफट से छिलके आसानी से एकदम उतर जाते हैं। तो यहाँ पर देखा दोस्तों आपने कि बैंगन फटाफट से छिल गया। और अगर हमें भरता बनाना है तो हम हाथों हाथ भरता बना सकते हैं, समय की बचत होती है। या फिर अगर आपको
फ्रिज में बैगन स्टोर करके रखना है तो इस तरीके से आप एयरटाइट डब्बे में इस तरह से रोस्ट किए हुए बैंगन को और स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद से चाहे तो आप 2 से 3 दिन के बाद भी भरता बनाइए, बैंगन खराब नहीं होंगे। फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोग करेले मार्केट से लाते हैं तो क्या होता है कि कभी ज़्यादा ले आते हैं या कभी कभार ये भी होता है कि फ्रिज में पड़े पड़े करेले जो है थोड़े से पीले पड़ने लगते हैं या फिर ख़राब होने लगते हैं। इसलिए करेलों को स्टोर करने का आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय बताती हूँ। आप जो है करेले के छिलकों को उतार लीजिए, या अगर आप छिलके नहीं उतारना चाहें तो भी कोई बात नहीं, और करेले को इस तरह से स्लाइसेस में कर लें। जी हाँ, आपको करेलों को पतला पतला काट लेना है, या फिर आप करेले की सब्ज़ी जिस तरीके से बनाते हैं आप चाहें तो अपने अंदाज से भी करेलों को चॉप कर सकते हैं। और उसके बाद से हमें करना यह है कि इसमें हमें डालना है नमक थोड़ा सा, इसके साथ ही हमें यहाँ पर डालनी है थोड़ी सी हल्दी। जी हाँ, हमें नमक और हल्दी डालना है इन करेलों में, और उसके बाद से नमक और हल्दी को करेलों के साथ अच्छे से मिला लेना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मैं मिला रही हूँ, तो हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे नमक और हल्दी को करेलों में। और दोस्तों, नमक और हल्दी मिलाने के बाद इस करेले को आप रख लें एयरटाइट डिब्बे में, और उसके बाद से इसे फ्रिज में स्टोर कर लें 3 से 4 दिन 5 दिन, तो आप देखेंगे कि करेले ख़राब नहीं होते। और जब आपको सब्जी बनानी हो तब करेले को निकाल कर नमक और हल्दी वॉश कर लें, और उसके बाद से आप अपने हिसाब से करेले की सब्जी बना लें। तो इस तरह से करेले स्टोर करने का ये तरीका काफ़ी काम का है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी बोरिंग स्वाद वाली कढ़ी को खा खा कर ऊब चुके हैं? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप नए तरीके से कढ़ी कैसे बनाएं, या फिर नए तरीके से कढ़ी में तड़का कैसे लगाएं जिससे कढ़ी तो वही बोरिंग हो पर उसका स्वाद जो है अलग सा हो जाए, एकदम डिफरेंट सा हो जाए। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं पर कढ़ी जो है बहुत बोरिंग सी बनती है। इसे लगता है कि अगर इसके साथ कोई सब्जी हो खाने में तब तो मज़ा आए, अदरवाइज़ कढ़ी खाने का मज़ा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक बढ़िया सा कढ़ी का तड़का बताती हूँ, जिस तड़के को लगा कर आप अपनी कढ़ी को जो है एक नया जान डाल सकते हैं कढ़ी में। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जो है तेल में डाला है जीरा, और जीरा जो है कढ़ी के लिए परफेक्ट माना जाता है। तो जीरे के साथ तड़का लगाइए, और इसके बाद से आप देखते जाइए कि मैं क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स ऐड करने वाली हूँ। और जीरे के बाद हमें चाहिए होगा बारीक कटा हुआ लहसुन, यानी कि गार्लिक। जी हाँ, ये कढ़ी मैं बना रही हूँ, मतलब इस कढ़ी का मैं तड़का लगा रही हूँ। लहसुनी तड़का कढ़ी, इससे तड़के को आप लहसुनी तड़का बोल सकते हैं। और इसके बाद से मैंने डाला है कसूरी मेथी, और ध्यान रखिए जो लहसुन हम डालेंगे उसे हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा वाइट वाइट रखना है जिससे कि लहसुन का क्रंचीपन आपको खाने में मिले। और इसके बाद से मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि कढ़ी में काफ़ी अच्छा कलर आता है। आप चाहें तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और अपनी उसी बोरिंग कढ़ी में डालिए थोड़ी सी धनिया पत्ती, हरी धनिया से कढ़ी का स्वाद डबल हो जाता है। और इसके बाद से इसमें डालिए हमारी लहसुनी तड़का, यानी कि लहसुन वाला तड़का कढ़ी के ऊपर, और इस कढ़ी को बनाइए जानदार, शानदार, एकदम नए स्वाद में। तो उसी बोरिंग खाने को बना लीजिए खास इस लहसुनी तड़का के साथ। क्या आपको भी मेंदू वड़ा पसंद है पर आपको इसे बनाना ही नहीं आता? कभी कभी होता ये है, लोग कहते हैं कि हमारे पास साँचा नहीं है तो हम मेंदू वड़ा कैसे बनाएं। दोस्तों, आपको एक बहुत छोटा सा, आसान सा, बहुत ही सिंपल से ट्रिक बताती हूँ जिससे आप मेंदू वड़ा आसानी से बना सकें। तो इसके लिए आपको करना ये है कि लेना है एक स्टील का छन्ना, और उसके ऊपर मेंदू वड़ा का बैटर इस तरीके से रखना है, और अपनी उंगली को पानी में डुबो कर इस बड़े के बीच में करना है एक बढ़िया सा छेद, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और कुछ नहीं करना है, इस छन्ने को हमें डायरेक्ट पलट देना है गरम तेल में। तेल आप पहले से गरम करके रखें, और फिर इस तरीके से मेदू वड़ा जो है तेल में डालते जाएं, छन्ने पे डाल डाल कर, तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से जो है आपने बहुत ही बढ़िया से ये छेद वाले मेदू वड़े बना लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आप मैंने छन्ने से ही ये छेद वाले वड़े बनाए हैं, और एकदम क्रिस्पी लगते हैं, मार्केट स्टाइल लगते हैं, और इन्हें देखकर कोई ये नहीं जान पाता कि मैंने इसे बनाने में मशीन का कोई यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से आप भी जो है दोस्तों क्रिस्पी मेदू वड़ा का आनंद लीजिए। कई बार हमें शिकायत होती है कि मेथी के पत्ते आते हैं मार्केट से तो वो खाने में, जब उसकी सब्जी बनाते हैं या फिर उसका साग बनाते हैं, तो खाने में बहुत ज़्यादा कड़वे लगते हैं। जी हाँ, इस कड़वेपन को निकालने का आपको एक बहुत बढ़िया सा उपाय बताती हूँ। तो दोस्तों, सब्जी बनाने से पहले हमें करना ये है कि मेथी के पत्तों को पहले उसके डंठल से अलग कर लेना है, अच्छे से छांट लेना है, और फिर आप चाहें तो पत्तों को बारीक काट लें।
और बारीक काटने के बाद मेथी के पत्तों को एक जगह रख लें। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने सारे मेथी के पत्ते छाट लिए हैं और इनको बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि मुझे बनानी थी आलू मेथी। और आलू मेथी के लिए अब हम क्या करेंगे कि मेथी के बारीक कटे पत्तों में डाल देंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पर ध्यान रखें, जैसे अभी आप देख रहे हैं, मेथी के पत्तों को हल्का सा हमें मसल देना है, जिससे कि नमक जो है मेथी के पत्तों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और 5 मिनट के बाद इन मेथी के पत्तों को वॉश करके और फिर आप सब्जी बनाइए इनकी आलू मेथी के साथ, या फिर मेथी का साग बनाइए, या मेथी के पराठे बनाइए, या मेथी का थेपला बनाइए। तो इस तरीके से जो है मेथी का कड़वापन दूर करिए। तो दोस्तों, ये टिप बहुत काम की है, अपने किचन में, अपनी कुकिंग में ज़रूर अपना कर देखिएगा।